तो हे गाइस, मैं हूं केके जेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केके जेड प्रोडक्शन सरफेस। फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड, यदि आप एक सीएससी संचालक हैं और सीएससी के थ्रू आप कोई भी एक बैंक डीसी चला रहे हैं, चाहे आईडीबीआई बैंक डीसी चला रहे हैं, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई या फिर सेंट्रल बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर पंजाब नेशनल बैंक, आप कोई भी बैंक डीसी चला रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि आप कैसे आप अपना जो है ट्रांजेक्शन डिटेल चेक कर सकते हैं किसी भी बैंक पोर्टल का अपना, ठीक है, जो आप बैंक डीसी चला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड हमें ट्रांजेक्शन का जो डिटेलिंग है हमें इसलिए पता करना होता है कि कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर के थ्रू आपको रिक्वायरमेंट की जाती है कि मतलब हमारा ट्रांजेक्शन डिटेल जो है आप निकाल के दीजिए, तो उस टाइम आप कैसे निकाल के देंगे, या फिर खुद को भी देखने के लिए जो ट्रांजेक्शन डिटेल है बीसी का उसको आप कैसे चेक करेंगे, मैं सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। फ्रेंड, तो सबसे पहले फ्रेंड मैं यहाँ पर देखिए मैं आईडीबीआई बैंक बीसी चलाता हूँ। देख सकते हैं मैं ऑलरेडी अपना जो पोर्टल है, मैं पोर्टल में लॉग इन हूँ। आपको लॉग इन करना नहीं आता तो मैंने ऑलरेडी वहाँ बताया हुआ है कि फर्स्ट टाइम आप कैसे लॉग इन करेंगे, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं कैसे लॉग इन करना है, कैसे सेटअप करना है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। जो इसका गेटवे कैसे सेट करना है सब कुछ मैंने बताया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में बस मैं बताऊंगा कि आप कैसे ट्रांजेक्शन डिटेल को अपने चेक करेंगे, कैसे आप पता करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि लेफ्ट कॉर्नर में आपका देखिए आधार बैंकिंग सर्विसेज है, अकाउंट बैंकिंग सर्विसेज है, फिर कस्टमर सर्विसेज है, जहाँ की हम लोग अकाउंट ओपनिंग वगैरह कर सकते हैं वीडियो केवाईसी के थ्रू। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं टर्म एंड कंडीशन है। इसके नीचे जस्ट देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट दिया हुआ है आपका। ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट पे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना है। फ्रेंड जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आपकी पड़ी हुई है, आप जो भी यहाँ पर लेन देन करेंगे उसकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पूरी पड़ी होगी, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए आप। जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड देख सकते हैं जो ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट का आपके पास एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है और कुछ पैरामीटर्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए फ्रॉम फ्रॉम से लेकर टू तक, मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक का पैरामीटर्स दिया हुआ है। आप दो पैरामीटर सेलेक्ट करेंगे, उसी के बीच का जो डेट होगा उसके बीच का ट्रांजेक्शन डिटेल यहाँ पर दिखा दिया जाएगा फ्रेंड। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपको सर्च इन कॉलम दिया हुआ है, आप कौन से पैरामीटर्स को सर्च करना चाहते हैं, आरएन नंबर सर्च करना चाहते हैं, स्टेटस चेक करना चाहते हैं, या फिर ट्रांजेक्शन टाइप, या फिर अमाउंट, या फिर एजेंट आईडी, और आपको कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी आप यहाँ पर जो सर्चिंग कॉलम सेलेक्ट करेंगे उसको 1 2 3 करके आप यहाँ पर वैल्यू देंगे, उसके बाद ही सर्च करेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड मैं आपको यहाँ पर पीडीएफ एक्सपोर्ट करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड मैं यहाँ पर कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर दिया और जो लास्ट डेट है मैं आज ही का डेट पे ही सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा एजेंट आईडी सेलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ पर वैल्यू दूंगा 1 एंड देन मैं यहाँ पर सर्च करूंगा। तो फ्रेंड देखिए सर्च करने के बाद देखिए मैंने 1 वैल्यू यहाँ पर सीरियल नंबर पे सर्च किया था, तो एक ही वैल्यू यहाँ पर दिखाई दिया है और एक ही ट्रांजेक्शन अभी हुआ था, तो उसके पूरी डिटेलिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टेप टू स्टेप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ स्टेटस आपका सक्सेसफुल दिखा रहा है और यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेलिंग वगैरह सब दिखाई देंगे। एक बार क्लिक करके हम लोग देखते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड पूरी डिटेलिंग आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। फ्रेंड बीसी लोकेशंस वगैरह सब कुछ दिखाई देगा, बीसी का नाम दिखाई देगा, डेट टाइम वगैरह दिखाई देगा, कितना अमाउंट है सब कुछ यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। फ्रेंड कौन से बैंक का आपने यहाँ पर ट्रांजेक्शंस किया है, या फिर मिनी स्टेटमेंट निकाला है, या फिर बैंक इंक्वायरी किया हुआ है, सब कुछ यहाँ पर दिखाएगा। जो ट्रांजेक्शन स्टेटस फेल है या फिर सक्सेसफुल है सब कुछ दिखाएगा। तो इस तरीके से आप इसको प्रिंट भी यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट ही प्रिंट कर सकते हैं, पीडीएफ बनाकर सेव करके रख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ही फ्रेंड यदि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर एक्सपोर्ट टू पीडीएफ भी आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर जितनी भी ट्रांजेक्शन की लिस्ट आएगी, जितने भी ट्रांजेक्शन किए होंगे उसको आप एक्सपोर्ट करके रख सकते हैं या फिर अपना पीडीएफ बना के रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक कर दूंगा। एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे जैसे ही क्लिक करूंगा फ्रेंड, एक ब्राउजर पे ऊपर एक नया पेज ओपन कर देगा, मैं इसे दिखाना चाहता हूँ आपको। देख सकते हैं यहाँ पर पीडीएफ बना के ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में आपको पूरी चीजें यहाँ पर दिखा दिया गया, आरएनए नंबर, ट्रांजेक्शन डेट, ट्रांजेक्शन टाइप, चैनल, और फिर आधार नंबर आपका दिखाई देगा, बैंक का नाम आपको दिखाई देगा, एजेंट आईडी आपको दिखाई देगी जो कि बी बैंक बीसी या फिर सीएससी आईडी बोल सकते हैं, कितना अमाउंट ट्रांजेक्शन हुआ है या फिर चेक हुआ है, या वो स्टेटस दिखाया जाएगा सक्सेसफुल फ्रेंड। तो इस तरीके से फ्रेंड आप जो है अपना ट्रांजेक्शन डिटेल या ट्रांजेक्शन हिस्ट्री किसी भी बैंक बीसी का आप चेक कर सकते हैं। हर बैंक बीसी का सेम ही सेम ऐसे ही चेक होता है, बाकी कोई भी बैंक का कीजिए आप ऐसे ही होने वाला है फ्रेंड। तो फ्रेंड यदि आप बैंक बीसी से रिगार्डिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें फ्रेंड, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।